बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान ने अपनी फिल्म टाइगर 3 के जरिए दिवाली पे धमाका कर दिया है। इस फिल्म ने न केवल 2 दिनों में ही 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर दिया है और इसी के साथ ही सलमान खान के नाम एक और 100 करोड़ फिल्म दर्ज हो गई है। अब इसी बीच सलमान खान अपने फैंस को सरप्राइज देने के लिए मुंबई के PVR सिनेमा में पहुंचे, जहां से उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। इन फोटोज में सलमान खान अपनी फैंस के साथ सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। बता दें कि एक्टर सलमान खान टाइगर 3 की स्क्रीनिंग के दौरान फैंस को सरप्राइज देने पहुंचे थे, जहां से उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे खूब छा गई। इन तस्वीरों में सलमान खान ग्रे कलर की टी शर्ट और जीन्स पहने हुए नजर आ रहे हैं। इस आउटफिट में सलमान काफी हैंडसम लग रहे हैं। तस्वीरों में सलमान खान अपने फैंस के साथ फोटोज खिंचवाते नजर आ रहे हैं। फोटो में फैंस सलमान खान को देख कर काफी खुश लग रहे हैं। तस्वीरों में सलमान खान अलग अलग अंदाज में पेपराजी को भी पोज देते नजर आए। सलमान खान की ये तस्वीरें जम के वायरल हो रही हैं। ये फोन पीछे ले ना भाई, हाथ। बता दें कि सलमान खान और कटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 12 नवंबर को दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म में जोया और टाइगर एक बार फिर से बड़े पर्दे पर जबरदस्त एक्शन करते नजर आ रहे हैं। मनीष शर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म टाइगर 3 में एक्टर्स इमरान हाशमी विलन का रोल निभा रहे हैं। इस फिल्म में इमरान का किरदार भी लोगों को काफी पसंद आया है। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 को रिलीज हुए केवल 2 दिन हुए हैं, लेकिन फिल्म को बहुत प्यार मिल रहा है। इस फिल्म ने अब तक 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है।